अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज है 15 मार्च, 15 तारीख है आज। और आज का दिन है ना, टोटली हम लोगों का वेस्ट हुआ है। वेस्ट इन द सेंस घर के कामों के से नहीं, एक्चुअली कैसा ना, हम लोगों का वो जो नया फ्लैट जो हमने लिया है रेंट पे, उसका कलर वगैरह सब कुछ हो गया है। बस जो ट्रॉली आने की थी वो ट्रॉली लगने की थी, बट हम लोग को मालूम था कि वो ट्रॉली आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑर्डर देके हम लोग बनवा रहे थे। तो आने वाली है कल, तो हमने सोचा था आज का जो दिन है हम लोग उसको खाली नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। आज हम लोग कम से कम बाथरूम किचन जो भी है वो क्लीनिंग करवा लेंगे। तो क्या होएगा, कल वो अपना ट्रॉली लगा के बंदा चला जाएगा 16 को, तो हम लोग उसको कल शाम में फिर हम लोग कुरान खानी करवा देंगे, और 17 तारीख को यानी कि 17 मार्च को हम लोग शिफ्टिंग ले लेंगे। बट आज का दिन खाली होना हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज ना क्लीनिंग करवा लेते वॉशरूम बाथरूम और किचन की, जैसे कि मैंने बोला। तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था नो ब्रोकर से, कि उधर से क्लीनिंग के लिए बंदा आ जाएगा तो फटाफट क्लीनिंग हो जाएगा, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस टाइम हम दोनों की भी कंडीशन नहीं है कि हम दोनों इतनी साफ़ सफाई करें। वो भी इतना बंद रूम था, 1-2 महीना तो बहुत ज़्यादा ही गंदा था। बट नो ब्रोकर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा रहा। जो टाइम उन लोगों ने दिया उसका 5-10 मिनट वेट करने उनको बोला कि आप थोड़ा वेट कर लो, तो बंदे ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। मेरा आज का दिन पूरा टोटल वेस्ट हो गया, क्लीनिंग नहीं हुई है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। आपके भाईजान आए थे काम पे से थोड़े समय के लिए, लेकिन उनका आज फिर से काम था, मतलब उनके कुछ कैंप कैंप वगैरह था, तो वो वापस रिटर्न चले गए शाम में। अच्छा, घर के अंदर थोड़ा सी पसारा फैला हुआ, मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम निकल रही है, थक गई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ना मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। थकी क्यों मैं बताती हूँ आप लोगों को, उसमें को पैदल लेने गई थी, अभी आके मैंने चेंज किया। ये नाइटी डाली मैंने आंग पे, ये नई वाली नाइटी जो मैंने मलाड से ली थी, एक ऑरेंज कलर की एक ये कलर की, तो ये पहनी हूँ, अभी पहना है। उससे पहले मैंने ये ब्लू वाला गाउन पहना था जो कि गीला हो गया, तो उसको मैंने सूखने के लिए डाला। बाल धोई और बाल धो के तुरंत ही उसमें को लेने के लिए निकल गई, तो पूरे गीले बाल थे ना, तो वो गीला हो गया, तो निकाल के फिर मैंने ये वेयर किया। ठीक है, और अब मन कर रहा है थोड़ी सी आइसक्रीम खाने का, लेकिन आइसक्रीम घर में है नहीं, तो अब तो वापस बाहर तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी थक गई हूँ बाहर जाके आके, और आपके भाईजान आने वाले लेट 10-10:30 बजे आएंगे। तो मैंने आइसक्रीम ऑनलाइन मंगाई है, अभी आएगी, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तो ऐसा आज थोड़ा वेस्ट हुआ, चलो कोई नहीं। जैसे मैंने बहुत अच्छे से सोच के रखा था, जुम्मा बाद यानी नमाज बाद है ना, जुम्मा के दिन 17 मार्च को हम लोग यहाँ से सामान शिफ्ट कर देंगे, बट अब देखते क्या होता है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाँ भाई इधर। सो फाइनली मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया है, और ये मैंने स्विगी इंस्टा मार्ट से ऑर्डर किया है, और आई होप कि आइसक्रीम नहीं पिघली होगी, क्योंकि बहुत कम समय में, बहुत चंद मिनटों में ये रिसीव हुआ है मुझको। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी वनीला आइसक्रीम ये मैंने मंगाया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने मंगाया है उज़्मा का जो है चोकोज है, ये ख़त्म हो गया था तो ये मैंने मंगा लिया है, ठीक है। बस यही मंगाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ से, जब भी कुछ भी चाहिए रहेगा तो फटाफट से कुछ मिनटों में ये डिलीवर हो जाता है। चलिए खैर, खाते हैं आइसक्रीम। तो उज़्मा को आज खानी है खड़ी दाल, ठीक है, सूखी दाल। तो उसके लिए बना रही हूँ थोड़ी सी मसूर की खड़ी दाल, वैसे इसका नाम होता है खड़ी दाल, बोलते हैं छड़ी दाल, पता नहीं, चलो जो भी है। बचपन से हम लोग छड़ी दाल बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको खड़ी दाल बोलते हैं। अच्छा, ये चाय मैंने ट्यूशन से आने के बाद बना के पी थी, मुझे लगा था आपके भाईजान भी आएंगे तो मैंने उनके लिए बनाई थी, बट वो आए नहीं, तो वैसे ही रह गई है थोड़ी चाय। खैर, मैं थोड़ी दाल चढ़ा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। आई आइसक्रीम खाने के लिए, मैं स्ट्रॉबेरी भी मंगाने वाली थी, स्ट्रॉबेरी शेक पीने के लिए, लेकिन फिर मैंने नहीं मंगाई, ये बाद में मंगाऊंगी। फिर ये आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी शेक में ख़त्म हो जाती थी, ऐसा है। आज वनीला आइसक्रीम खा रहे थे, स्ट्रॉबेरी शेक बाद में बनाएंगे, कल परसों। आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो यहाँ पे रेडी हो गई हमारी खड़ी छड़ी मोटी दाल, उज़्मा की तो मोटी दाल है, वो बचपन से अभी वो उसको मोटी दाल बोल रही है, तो शायद वो मेरे उम्र की होगी तभी तक के मोटी दाल बोलेगी, जैसे हम लोग छड़ी दाल बोलते हैं।
चलिए अभी जा रही हूँ उसको खाना खिलाने के लिए, आपके भाई अभी तक आया नहीं है तो ऐसा है। अम्मी आए थे घर पे, बहुत सारा सामान लेकर आए, हैदराबाद से आए ना तो सामान लेके आए, लेकिन मैंने ना व्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग बातों में बिजी थे। मैंने सोचा सुकून से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि क्या क्या लेके आए। तो एक सब्सक्राइबर मिले थे उनको मेरे, तो उन्होंने मेरे लिए ये भेजे टोकन ऑफ लव फ्रॉम मम्माशी व्लॉग्स टू नाजिया शेख इंडियन व्लॉगर, ये उन्होंने भेजा है। और इसके अंदर कुछ स्वीट है, ये बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट किया बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं मालूम। प्लीज़ अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे होगे तो इसका नाम बताना, नाम मेंशन करना, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और फिर अम्मी ने मिठाई लेके आए, ये तो मैंने मिठाई का डब्बा खोला ही नहीं, शायद इसमें अफलातून है, शायद से मैंने तो खोला ही नहीं। हाँ देखो मिठाई लेके आए अम्मी ने, मिठाई अफलातून भी है काफ़ी सारे, और ये है आबे जमजम, ये भी ला के दिए हैं। और साथ ही साथ क्या है, ये मालपुआ है शायद से, ये बनाए थे तो वो लेकर आए हैं मेरे लिए। और अम्मी ने ये ख़रीदे उज़्मा के लिए ताज, ठीक है ताज बोले तो वही हेयरबैंड वगैरह पहनती ना वो बड़े शौक़ से, तो लेके आए उसके लिए। और क्लिप लेके आए, बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स लेके आए थे, एक क्लिप और कहाँ है क्या मालूम, तीन क्लिप लेके आए टोटल, एक ये छोटी सी बटरफ्लाई टाइप क्लिप है, क्लच है क्लचर, ये देखो छोटा सा क्लचर है, ये लेके आए हैं ठीक है, और साथ में ये क्लिप। तो ऐसी और एक लेके आए थे, कहाँ है उसमें लगाई थी, कहाँ रखी क्या मालूम। तो ये सब चीज़ अम्मी ने लेकर आए हैं आते वक्त, मीठा खा के तो मैं बहुत खुश हो जा रही हूँ आजकल, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जल्दी जल्दी नाक साफ करो, मुँह हाथ धो फटाफट, मुँह हाथ धो क्यों, तो उसमें और ये फ्रेश खाना खाने के लिए अच्छे से ठीक है, खलखल पानी से एकदम, बोलती मैं छोटे पापा का ख्याल रखूंगी, खुद का तो रखा जाता है नहीं, खुद का तो मुंह भी धुलाया जाता नहीं है। चल जल्दी, अरे वो कैसा मुंह धोती है, मुंह धोती है, चल मुंह धो के दिखा, हा हा हाँ बराबर, हाथ हाथ को नहीं तक हाथ धोने का, पैर धोने का, एक मग्गे में पूरा नहा ली उज़्मा ने, दूसरा पानी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चल मुंह धो, मुंह पोंछ ले। आई बड़ी आज देख लो, आज मुझे लग गया था काई, हाँ ठीक है, क्या लगा, इधर ही खड़े रह के बोल सकते थे, टुवाल वहाँ है जाके मुंह पोछो, मेरा राइटिंग पैड जो था ना हाँ, वो भारी रह गया था हाँ, और मैं ना कभी चले गए हाँ, तो अलीशा ने पूछी, हम दोनों घर पे थे हाँ, तो अलीशा ने पूछी राइटिंग पैड था हाँ, तो मैं ऐसे करके जल्दी से भाग के गई हाँ, फिर आते टाइम थलाम से गिर गई। अच्छा तो लग गया, पूरा लग गया, तो रोए नहीं तुम, नहीं रोए, वाह स्ट्रॉन्ग बेटी, यही चीज घर में होती तो कितना रोके दिखाती थी, नाटक करके दिखाती, सच्ची बोल। घर में भी ऐसी रहने का ना, में भी गिरी थी मैं, क्या बात कर रही है हाँ। खाना नहीं खाएगी तो ऐसी गिरपड़ी बनेगी ना, खाना खाने का ना, कैसे गिरी थी, जा मुंह पोंछ के पहले जा, मुंह पोंछ के, मेरे को ना उसका वीडियो बनाने का, सामने जो कार्टन देख रहे हो ना आप उसमें सामान है उसका, मेरे को ना वीडियो बनाने का, लेकिन बेटा मैं सोची थी आज अब्बा ट्यूशन छोड़ेंगे लेके आएंगे तो मेरे को वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो करूंगी, बट मुझे नहीं मिला, अब्बा काम पे गए ना, तो मैं कपड़े वपड़े लगा दी धोने के लिए, तो इसके लिए पता है ट्यूशन में कैसे गिरी, बोलो ट्यूशन का जो जमीन पे बैठे है ना उस पर मैं बैठी थी कोने में, तो कंपास मेरे आ गया तो जैसे ही उठाने गई एक हाथ से पकड़ा था राइट हैंड, और जैसे उठा मेरे हाथ में कोशिश करी तो धड़ाम से। अभी तुम फ्रेश हो गए, पक्का फ्रेश हो गए, अभी आ बेटा मैं खाना ला रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, उज़्मा चली गई है स्कूल, और
मैं भी वापस से नहीं लेटने वाली, क्योंकि मैं लेटूंगी तो मुझे नींद भी लग सकती है। एक्चुअली आपके भाईजान को उठाना है मुझको, क्योंकि हम लोग को जाना है रूम पे क्लीनिंग करने, साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी वो साफ़ सफाई करना पेंडिंग है, कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, क्योंकि बाथरूम और किचन की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो टाइम लगने वाला है। इसलिए मेरे को पता था वो इतना गंदा पड़ा हुआ है ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था। लेकिन छोड़ो छोड़ो, उसके बारे में तो बात ही नहीं करूँ, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब है। और जहाँ से एक्सपीरियंस ख़राब है वहीं पे मैंने क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग के लिए भी देके रखा है, मतलब मूवर पैकर एंड मूवर के लिए बुक करके रखा है, और हाफ़ पेमेंट कर दिया, हाफ पेमेंट शिफ्टिंग के बाद करने का। अब मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती, क्योंकि हो गया है, कैंसिल करूँगी तो मेरा ही नुकसान है फिर, इतने अर्जेंटली अब मैं और कहाँ से ढूंढूँगी शिफ्टिंग के लिए बंदे। वैसे आपके भाईजान को बोलूँगी तो वो तो जुगाड़ कर ही देंगे, लेकिन चलो ठीक है, हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए एक बार ज़िंदगी के अंदर, तो वो भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। क्लीनिंग में तो एक्सपीरियंस गंदा रहा नो ब्रोकर का, अब मूवर एंड पैकर में भी देख लेते हैं अच्छा है क्या बुरा है। खैर अभी मुझे नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन मैं जाऊँगी आपके भाईजान के साथ, और वो ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। और आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना।